फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। अक्सर हम सब शादियों में तो जाते ही हैं, पर अगर लड़की की शादी हो तो उसमें कन्यादान लेकर भी जरूर जाते हैं। जैसे साड़ी, कपड़े, इच्छा अनुसार पैसे हम कन्यादान में लेकर जाते हैं। पर हाल ही में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कन्यादान के रूप में 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में और फोटोज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्यादान में कपड़े या पैसे नहीं, बल्कि यहाँ कन्यादान में पेट्रोल दिया जा रहा है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान तो जरूर होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मामला क्या है। बता दें कि हस्तिनापुर के अल्लीपुर मोरना के बाबूराम की बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में सपा नेता ने 2 लीटर पेट्रोल दिया। उन्होंने ऐसा कर सरकार के फैसले पर विरोध जताया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का अनोखा विरोध इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। वहीं सपा नेता ने अपनी एक वीडियो में बताया है कि ऐसा उन्होंने पेट्रोल पर बढ़ती कीमतों पर विरोध दर्ज कराने के लिए किया है और सरकार की आंखें खोलने के लिए किया है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी एक महापंचायत के दौरान भरी सभा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा और मोदी सरकार के फैसले पर रोष प्रकट किया। बता दें कि पेट्रोल पर बढ़ती कीमतों से जितना देश के लोग परेशान हैं, वहीं पिछले 2 दिनों तक ईंधन तेल के दाम स्थिर थे, लेकिन मंगलवार यानी 23 फरवरी 2021 को आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल के दामों में 35 से 38 और डीजल के दामों में 34 से 35 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। किशोर वाल्मीकि, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज हमने देश में लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में वृद्धि का विरोध करते हुए और सरकार की आंख खोलने के लिए हस्तनापुर विधानसभा के अल्लीपुर मोरना में एक शादी समारोह में पहुंचकर एक अनोखे ढंग से केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का तेल की बढ़ रही लगातार बेहतसा कीमतों में वृद्धि का विरोध करते हुए कन्यादान में हमने पेट्रोल देने का कार्य किया, जिससे हमारा इसका उद्देश्य यह है, हमारा एम इसका यह है कि इस केंद्र की जो गूंगी भैरी सरकार बैठी है इसकी आंख खुल सके। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा वृद्धि का जो लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है, इससे किसान मजदूर तबका बिल्कुल बेहाल है। लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है, बड़ा निंदनीय है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।